लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, मैं सानिया जीना। ये नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। गोगावा के श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पर सुबह से लगा भक्तों का तांता। भगवान गणेश की चतुर्थी पर विशेष अभिषेक कर की गई पूजा अर्चना। गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराने पर डॉक्टर ने बच्चे को किया मृत घोषित। शिकायत के बाद डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को दिए जांच करने के निर्देश। कटियार मुजफ्फरजिल थाना क्षेत्र में बढ़ रही अपराधियों की मनमानी। घर में घुसकर चार नकाबपोश आरोपियों ने हाथ पांव बांधकर युवक पर किया हमला। सोमवार भाद्र पक्ष की चतुर्थी पर गोगावा के श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पर सुबह से ही भक्त गणपति जी के दर्शन करने पहुंचे। श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र पाटीदार ने बताया कि भगवान गणेश की चतुर्थी पर विशेष अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई और प्रतिमा का भव्य श्रृंगार किया गया। गणेश मंदिर के पंडित गोल्डी महाराज ने मंत्र उच्चारण कर इस अभिषेक को सम्पन्न किया। दिलीप सोनी ने अभिषेक करवाया। अभिषेक के बाद महाआरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। इस सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में दर्शन करने के लिए नगर और आसपास के ग्रामीण पहुंचे। फिर रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराने पर पीलीभीत के एक डॉक्टर पर बच्चे को मृत घोषित करने का आरोप लगा है। अन्य अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने पर बच्चा जिंदा होने की रिपोर्ट आने पर माता पिता ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की, जिसके बाद डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को जांच करने के निर्देश दिए हैं। पीलीभीत में डॉक्टरों द्वारा एक के बाद एक गलत रिपोर्ट और पैसे के लिए शव का इलाज जैसे मामले सामने आने के बाद लोगों का भरोसा दुनिया के इन भगवानों से उठता जा रहा है। आरोप है कि पीलीभीत के ओजस्वी डायग्नोसिस्ट सेंटर पर अल्ट्रासाउंड कराने पर एक गर्भवती के गर्भ में पल रहे जिंदा बच्चे को डॉक्टर ओजस्वी शर्मा ने मृत घोषित कर गर्भपात कराने की सलाह दे दी। दरअसल पीलीभीत की नेहा 8 हफ्ते से गर्भ में थी। उसका इलाज स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परमजीत कौर के अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टर परमजीत ने बच्चे का स्वास्थ्य जानने के उद्देश्य से नेहा को अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दे दी। नेहा ने जब 24 जुलाई को डॉक्टर ओजस्वी शर्मा से अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में बच्चे को मृत घोषित कर गर्भपात की सलाह दे दी। नेहा ने अपनी तसल्ली के लिए जब दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड कराया तो बच्चा गर्भ में स्वस्थ था। डॉक्टर की इस करतूत की शिकायत नेहा ने सीएम पोर्टल से लेकर डीएम व स्वास्थ्य विभाग से की, जिसके बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। पीलीभीत से सतीश दीक्षित की रिपोर्ट। इसमें एडिशनल सीएमओ चतुर्वेदी जी को एक जांच दी गई है कि वो इसकी जांच करके फिर अवगत कराएंगे कि ये पूरा प्रकरण क्या है और क्या क्या उपलब्ध कराएंगे। कटियार मुफज्जिल थाना क्षेत्र में अपराधियों की मनमानी बढ़ती जा रही है। ग्राम बटेली में दिन दहाड़े चार नकाबपोश अपराधी अखिलेश कुमार के घर पहुंचे। इस दौरान आरोपियों ने अखिलेश कुमार के हाथ पांव बांधे और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और घर के पूरे सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। इसके बाद आरोपी बड़ी आसानी से गाँव से बाहर निकल गए। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। अखिलेश कुमार के परिजनों को लगता है कि घटना का अंजाम उनकी बहन के ससुराल पक्ष वालों ने ही दिया है। फिर रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। मामला यही लोग बताया कि चार लड़के आए और इसके घर में कोई नहीं था, मात्र एक यही लड़का था और इसके फादर और बहन गई है कोर्ट में गवाही देने। डोरी एक्ट का केस चल रहा है और चारों लड़का आया, किस उद्देश्य से आए थे ये नहीं हम बता सकते। नाम पता चला है? कौन लड़का का जो चार गो लड़का आके? नहीं, उसके बारे में क्या, वो गांव वाला तो देखबे नहीं किया, तो हम तो बाद में आए, हम क्या देखेंगे। अच्छा सर, एक जिसका गला रहता गया उसका नाम पता है? नाम है अखिलेश जी। इससे पहले तो मेरे, आज मैं 2006 से सरपंच रह चुकी हूँ, अभी भी हूँ, और लेकिन ऐसी घटना आज तक नहीं सुने थे हम कि ये कहीं दिन दहाड़े इस तरह का लूटपाट और हत्या हो सकता है। तो मुझे हत्या की कोशिश की गई, लेकिन ये पहली बार। और ये जो लड़का है अखिलेश कुमार, जिनके साथ अभी जो कि हत्या का कोशिश किया गया, इनके फादर पहले पूर्व में 2011 में हमारे उप सरपंच भी रह चुके हैं। तो हमको मुफस्सिल थाना से फ़ोन आया कि मैडम आपके पंचायत में इस तरह की घटना सुनने में आ रहा है, क्या यह सच है? तो हम बोले हमको तो अभी पता नहीं है, लेकिन हम पता करके बता रहे हैं। तब से हम कई लोगों से जानकारियां लेने की कोशिश किए, लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं मिली, तो हम खुद ही अभी
आए हैं प्लॉट पे देखने के लिए। लखनऊ जोन के आदिगांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम लाटगांव से अवैध शराब की तस्करी करने वाले आरोपी नन्ने लाल पिता पुन्नू लाल टेकाम को गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर से पुलिस को तलाशी के दौरान 381 पाव कुल 59 लीटर देशी अंग्रेजी शराब मिली है। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। लखनऊ जोन से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। सर, थाना आदिगांव क्षेत्र में हमेशा से वारदातें ये शराब की चल रही हैं, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे सर? देखिए, हमारे पुलिस अधीक्षक श्रीमान कुमार प्रतीक सर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान कमलेश खरपूसे सर, हमारे अनुभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमान अजय श्रीवास्तव सर का हमेशा मुझे मार्गदर्शन एवं आदेश मिलता रहा है कि क्षेत्र में होने वाले अवैध गांजा तस्कर, अवैध शराब इत्यादि की पतासाजी करके धरपकड़ करें। इसी तारतम्य में मैं प्रति हमेशा जो है इनकी पतासाजी में लगा रहता हूँ। आज की घटना के संबंध में बताना चाहता हूँ। मुखबिर की मुझे सूचना मिली कि ग्राम लाटगांव में नन्ने लाल पिता पुन्नू लाल टेकाम हमेशा से जो अवैध शराब का व्यवसाय करता है, इसके घर में एक बड़ा जखीरा आके रखा हुआ है, जिसके मेरी मुखबिर की सूचना लगी थी, जो मैं अपने बल के साथ मेरे ASI रफीक खान, प्रधान आरक्षक दिलीप राजपूत, आरक्षक ज्योतेश्वर, आरक्षक अविनाश पांडे, आरक्षक नरेश, महिला आरक्षक सिरोजा खान एवं एक दो अन्य लोग मेरे साथ गए, जो हमने लाडगांव पहुँच के उसके घर में दबिश दी, हिकमत अमली से उससे पूछताछ की, घर की तलाशी ली, जिसमें घर के बीच वाले कमरे से हमें 7.5 पेटी देशी एवं अंग्रेजी शराब, जिसमें 6.5 पेटी देशी शराब मसाला एवं 1 पेटी अंग्रेजी शराब XXX सन्नी की हमें मिली। इसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 35,000 रुपये है, जिसे हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने मौके से सूचना दी एवं मौके से हमने जब्ती कर थाना पे लाके उसकी कायमी कर केस बनाया। लखनऊ दोन की थाना आदिगांव पुलिस को गांव कुर्रू मुंडो नाले में अज्ञात डिस्कवर मोटरसाइकिल मिली। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे आदिगांव थाना प्रभारी राहुल बघेल ने अज्ञात डिस्कवर मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लिया। गाड़ी पर नंबर नहीं होने के कारण फिलहाल पुलिस मोटरसाइकिल का पता नहीं लगा पाई है। पुलिस का ऐसा अनुमान है कि मोटरसाइकिल युवक नदी के तेज बहाव में बह गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लखनऊ दोन से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।